मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करना लालू प्रसाद के करीबी और राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को भारी पड़ सकती है। बता दें कि बिहार विधान परिषद के बजट सत्र की कार्यवाही के समय आरजेडी के विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी। सदन में इसे गंभीरता से लिया था और मामले को परिषद की आचार समिति को सौंप दिया था। उसकी रिपोर्ट पर अब फैसला आने का समय है। आशंका है कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता खतरे में आ सकती है। सुनील कुमार सिंह के साथ साथ आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब ने भी मिमिक्री की थी। मामले में कारी सोहेब ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, लेकिन सुनील कुमार सिंह ने गलती स्वीकार नहीं की। समिति मामले की जांच के बाद रिपोर्ट सभापति को दे चुकी है। तत्काल सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इस पर फैसला ले लिया था। अब परिषद में पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के फैसले को सार्वजनिक किया जाना है। इसे कार्यसूची में रखा भी गया है। एमएलसी सुनील कुमार सिंह पर क्या फैसला आता है, इसका इंतजार सदस्यों को है। रिपोर्ट आने के बाद राबड़ी देवी ने सभापति से पूछा, हम लोगों को जानकारी दी जाए कि सुनील सिंह ने परिषद में क्या किया था। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल वारी सिद्दकी ने भी सभापति से कहा कि आचार संहिता से जुड़ा प्रतिवेदन आप एक बार देख लीजिए। वहीं इस दौरान पत्रकारों ने राजद एमएलसी सुनील सिंह से उनकी प्रतिक्रिया ली। उन्होंने बताया कि उनके साथ षड्यंत्र किया गया है। सुनील सिंह ने कहा कि विधानमंडल के लिए ये काला अध्याय है। इसके अलावा सुनील सिंह ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। हम शॉर्ट में इतना ही कहेंगे, इसमें अनुशंसाएं क्या है इसको अभी जाकर हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि षड्यंत्रकारियों द्वारा लगभग एक महीना इसमें मेहनत किया गया है षड्यंत्रकारियों द्वारा, कि किस तरह से गरीबों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से किसानों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से अल्पसंख्यकों की आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से बेरोजगारों की आवाज सदन में नहीं उठे। तो ये षड्यंत्रकारी लोग काफी दिनों से लगे हुए थे और सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है इस पर कल चर्चा होगा। हम व्यापक रूप से कल आप लोगों को बयान देंगे। कल जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी होना है, उसके बाद हम व्यापक रूप से आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि जो ये प्रतिवेदन मिला है, इसको षड्यंत्रकारियों को तैयार करने में महीनों लग गया, समझे ना, इस पर व्यापक रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे और कल हम चर्चा करेंगे। ये सब बात का कोई तर्क नहीं है। इसलिए तर्क नहीं है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा प्रतिशोधी है कि पगड़ी ही नहीं उतरवाया, उनको बेलमुंड तक करवा दिया, तो भाई उस व्यक्ति के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक व्यक्ति को हटाने के लिए सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया और जो प्रतिवेदन तैयार किया गया, मीना ने षड्यंत्रकारियों द्वारा ये प्रतिवेदन तैयार किया गया है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।